फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। यू आर वाचिंग राघव एकॉस्टिक्स नारायणगढ़ विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बढ़ती टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज की डेट में गाड़ियां भी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक कार्स के अंदर जहाँ पे फीचर बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, पर लाइट्स के मामले में वो गाड़ियां आज भी ज़ीरो बराबर ही हैं, क्योंकि 100 में से 70% कस्टमर हमारे लाइट के कारण फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही सड़क पे, और यहाँ तक कि पहले की गाड़ियों के अंदर कुछ इस तरीके का हम फॉग प्रोजेक्टर लगा लिया करते थे। लाइक ये GTR का 3 इंच का प्रोजेक्टर है, और मेरे चैनल पे कई वीडियोस मैंने इसके ऊपर डाली हुई है, लाइक GTR IPH AES, जो हम अपनी गाड़ियों में दिए गए ऑप्शन पे या फिर ऑल्टर करके इनको लगा लेते थे एज ए फॉग लाइट, एज ए ऑक्सिलरी लाइट्स, जो कि एक प्रॉपर तरीके से हमारी गाड़ी के बम्पर में लग जाता था। पर कहीं ना कहीं आज की डेट में कई गाड़ियां फेल है, लाइक मारुति की फ्रॉन्क्स है, हिंडे की वरना है, जहां तक कई गाड़ियां, फॉर एन एग्जांपल मेरे को भी नाम तो इतने याद नहीं है, पर उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। कुछ इस तरीके की फॉग लाइट या 2 इंच की प्रोजेक्टर फॉग लाइट नहीं लग सकती, या सिंपल फॉग लाइट भी नहीं लग सकती। तो उनकी लाइट की समस्या ख़त्म करने के लिए आज आपके आगे एक छोटा सा प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास DHC की तरफ से। पहले मैं इसकी पन्नी उतार लेता हूँ ताकि फ्लैश ना पड़े ज़्यादा, तो ऐसे पॉली रैप्ड आता है ये। तो ये है DHC की तरफ से P20 बाई LED प्रोजेक्टर लेज़र फॉग लाइट। ये रेक्टेंगल शेप में है और सामने से स्क्वायर आता है, और अगर मैं इसके MRP की बात करूं तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो 14,999, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये यहाँ सिंगल पीस का MRP है, नीचे ऊपर पेयर का है। तो मेनली ये एक प्रोजेक्टर फॉग लाइट है जो कि रहने वाला है 60 वॉट का, और ये पेयर आता है, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। इसके अंदर आपको लो बीम ऑप्शन मिल जाएगा, हाई बीम ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इस प्रोजेक्टर से, तो इन दोनों के अंदर लाइट आउटपुट सिमिलर है, पर साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या निकलता है इस प्रोडक्ट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं देना चाहूँगा। हमारा सिर्फ एक ही फिजिकल स्टोर है, वो भी नारायणगढ़ हरियाणा लोकेशन पे है। नारायणगढ़ यानी कि 134203 पिन कोड पे लगता है, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हालांकि नारायणगढ़ काफ़ी सारी सिटीज़ है इंडिया के अंदर, बट नारायणगढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा वाला है, वहाँ पर हमारा स्टोर लोकेशन पर है, और आपको उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस हमारी एक वेबसाइट carconceptshop.com, जहाँ से आप ये प्रोडक्ट घर बैठे मंगवा सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नारायणगढ़ के स्टोर से अलग कोई भी हमारा स्टोर पैन इंडिया अभी तक नहीं है। इन केस अगर हम कोई अपनी फ्रेंचाइजी, कोई ब्रांच ओपन करेंगे, तो श्योरली आप सबके साथ उसका एड्रेस शेयर करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और चलिए देखते हैं हमें P20 के इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, खोलने के बाद में हमारे इंस्टॉलर भाइयों के लिए एक कूपन है, और कूपन के ऊपर स्कीम है 25, 40, 50, 100 कूपन के ऊपर छोटे मोटे गिफ्ट्स है कंपनी की तरफ से। आप ये कूपन कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं, नियरेस्ट DHC डीलर किसी को भी देके आप अवेल कर सकते हैं वो ऑफ़र, और अलग से आप हमारे पास भी ये भेज के अपने गिफ्ट्स ले सकते हैं। और एक हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड, जिसके ऊपर हमें मिलती है प्योर 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, जो कि ब्रांड की तरफ से हमें मिल जाती है। इसके बाद में ये 4 इसके अंदर माउंटिंग ब्रैकेट्स यानी कि पत्तियां मिल जाती हैं, जिनको यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से अपनी गाड़ी में इसको अलग अलग कहीं भी माउंट कर सकते हो। और कुछ नीडेड स्क्रूज वगैरह दिए गए हैं इसके अंदर, ये भी रखेंगे साइड में। और सिलिका जेल होता है, और ये सौंफ का पैकेट नहीं है, खाने के लिए नहीं होता है, जस्ट एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए है। और इसके बाद में ये हमारे P20 2 प्रोजेक्टर है, जैसा कि हमें डिब्बे पे दिखाया गया है वही सेम प्रोडक्ट है। और सामने पन्नी में उतार देता हूँ, तो सामने की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, और पीछे देखो यहाँ DHC की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ चिपसेट है, और ये फुली एल्युमिनियम कास्ट बॉडी शेल का बना हुआ है। सामने की तरफ ये है हमारा लो बीम, जो कि 2 इंच के अंदर काउंट होगा, ये पीछे की तरफ से ऐसे रेक्टेंगुलर काउंट है और सामने से स्क्वायर है। और साइज़ की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ इसका होने वाला है, लाइक मैं आपको अभी एक मेजरिंग टेप के ऊपर दिखा देता हूँ, तो आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे पूरा ये 1.5 इंच यहाँ से है, और ऐसे ये पूरा 2 इंच है,
ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पीछे की बात करूं मैं, तो यहां से हम लगाएंगे इसको 3 इंच से, और आगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4.5 इंच ये गहरा है। ठीक है, तो मेनली स्पेशलिटी क्या है इस प्रोडक्ट की, देखो पीछे की तरफ एक हीट सिंक यहाँ पे कम्प्लीटली दी गई है। बॉडी का जो डिज़ाइन है, जो एल्युमिनियम शेल है, वो टोटली एक हीट सिंक का ही काम कर रहा है। और उसके बाद में ये चिपसेट है, ये भी एल्युमिनियम का दिया गया, कोई हीट होगा तो ऑटोमेटिकली हीट डिसिपेट हो जाएगी, हीट बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे एक हाई स्पीड फैन दिया गया है, फैन ज़्यादा काम करता है हीट को डिसिपेट करने में, और वैसे भी ये लेज़र प्रोजेक्टर है तो थोड़े बहुत तो ये हीट होते ही हैं। तो ये है इसकी लो बीम, ये एंगेज कैसे होगी, देखो ये 3 वायर्स इसके अंदर दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लैक वायर है, मैं हमेशा से हर प्रोडक्ट, कोई भी एलईडी रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस ब्लैक नेगेटिव वायर को बॉडी अर्थ नहीं करना, सोलेनॉइड ऑन रहेगा, मीठा मीठा सा करंट आएगा, आपकी बैटरी रात में खड़ी हुई गाड़ी में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, और ये है हमारी रेड वायर, इन दोनों को लगाने से हमारी ये लो बीम एंगेज हो जाएगी, लो बीम जग जाएगी। उसके बाद में जब इनको चलते हुए में हम हाई बीम भी इस रेड वाले पोल में हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये ब्लू वायर, तो ये हाई बीम लेज़र वाली भी चल जाएगी। तो अभी मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से इस वीडियो में दिखाऊंगा इसकी आउटपुट कितनी ज़्यादा है। और ये दो तरह के प्रोजेक्टर, जिस तरह का हम 3 इंच का अपनी गाड़ियों में अक्सर लगाया करते थे, इनमें काफ़ी मॉडल्स हमने देखे हैं, IPH का M617 ट्राई कलर, फिर GTR 2022, 2023 में तो 6-7 मॉडल आ गए, फिर 24 में 2 मॉडल आ गए, ऐसे अन्य ब्रांड बहुत नाम है, बहुत मॉडल्स हैं, पर ये सारे 3 इंच 2 इंच के वेरिएशंस में हमें मिल जाते थे, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाड़ी के अंदर ये नहीं फिट हो पा रहे। तो वहीं पे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमने सॉर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है। साइज़ आपको दिखा दिया है, सामने से ऐसे 2 इंच है, ऐसे ऊंचाई में 1.5 इंच है, और ऐसे गहराई में 4.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, पीछे DHC की ब्रांडिंग दी गई है, और ये टोटली लेज़र प्रिंटिंग है, इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है, और इसके अंदर नकली तो नहीं आता मार्केट में, और नकली शायद ही आ जाए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, प्रोडक्ट इनके बहुत बेस्ट है। और प्राइस रेंज की मैं बात करूँ, जहाँ पे आपको कोई GTR 6 से 9 हज़ार की रेंज में मिल जाता था, वहीं पे आपको ये 8.5-9 हज़ार रुपये की रेंज में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट carconceptshop.com से, और अगर आप हमारे स्टोर पे आकर लगवाना चाहते हैं, हमारा स्टोर इजीली रीच कर सकते हैं, लाइक 300-500 किलोमीटर दूर से भी आ सकते हैं, तो आइए, बड़ी खुशी वाली बात होगी हमारे लिए, और आप अपनी गाड़ी में इसको इजीली फिट करा सकते हैं। बट आने से पहले एक चीज़ आप कन्फर्म करें कि आपकी गाड़ी में इसको लगाने के लिए थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए, ताकि ये लगा हुआ भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इसको जुगाड़ करके कहीं ना कहीं लगा दें बट वो लगा हुआ बड़ा बुरा फिटिंग हुआ हुआ दिखे, तो उस केसेस में वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। आप पहले इंश्योर करिए कि हाँ, आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं आपको जगह सुटेबल दिखती है, वहाँ पे ये लग जाएगा। और ये स्पेशली उन गाड़ियों के लिए रिकमेंडेड है जिसमें कंपनी फिटेड फॉग लाइट की जगह, तो छोड़ो फॉग लाइट भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें दूसरा पीस मिल जाता है, और इनके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, ये फुली वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर मार्किंग है, विद बिल 1 ईयर ब्रांड वारंटी के साथ, 8.5 से 9 हज़ार की रेंज में ही आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। और अगर मैं लाइट की बात करूँ, तो लाइट आपको दिखा देता हूँ एक फ़ोटो के माध्यम से, चलिए देखते हैं इसकी लाइट कैसी है। तो गाइस, कैसी लगी आपको लाइट आउटपुट की फ़ोटो, जिसके अंदर हमने आपको शो किया पूरे पूरे 100 मीटर के ऊपर कितनी ज़्यादा डार्क लाइट इसके अंदर से निकल के आ रही थी। अभी आपने देखी थी लो बीम प्लस हाई बीम भी चलती है इसके अंदर, तो मैं आपको ऑप्शनली यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे हमारी लो और हाई बीम वर्क करेगी। हालांकि कैमरा इतना इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, बट थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। लाइक ये पॉजिटिव वायर मेरे पास DC पावर सप्लाई है यहाँ पे, जो कि AC करंट के थ्रू DC कन्वर्ट होकर चल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी लो बीम ऑन हो जाती है, और कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हो। और उसके बाद में अगर मैं इसको हाई बीम कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एक हाई बीम ऊपर अलग से चल रही है, देखो ये लेज़र, अभी लो बीम है और ये होगी हाई बीम, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, ये आप अलग से देख पा रहे हो, तो ऐसे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अब बारी आती है जिन कस्टमर्स को ये तो लगाना है, पर हेडलाइट अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए क्या
सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखो हमेशा से हम अपने एंड से आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट ब्रांड अभी तक रिकमेंड करते आए हैं, और आज भी आपको एक बेस्ट ब्रांड ही अगेन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि अपनी कई वीडियोज़ में दिखाया, आप उसको प्रीवियस वीडियोज़ में भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास ओजोम की 150 वॉट LED, जिसको हमारे कस्टमर्स ने ढेर सारा प्यार दिया है। क्वालिटी की तो बात ही मत पूछो, क्वालिटी इतनी ज़्यादा सुपर्ब है ना, इसको कोई और प्रोडक्ट मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट कोई ब्रांड हो, आप XYZ कोई ब्रांड उठा लो, सब स्टिकर हैं, कोई भी इसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये 150 वॉट है, आधे घंटे के बाद भी स्टेबल होगी तो 140 वॉट पे होगी, 100 या 80 वॉट पे नहीं होगी। तो मैं आपको पहले से ही खुला हुआ पीस दिखा रहा हूँ। 2 ईयर की ब्रांड वारंटी मिल जाती है बाय ओजोम इंडिया, और इसके अंदर हमें मिल जाता है H4 H19 की सॉकेट का बल्ब। ऐसे ही अगर हमें अपनी गाड़ी में कोई भी अन्य साइज का बल्ब लगाना है, लाइक 9005 HB3 H1R2 9006 9012 HB4 HB6 और H7 H1 H27 सारे साइजेस मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, 150 वॉट का ये पेयर है, स्टेबल पावर 140 रहने वाली है, 2 ईयर की वारंटी है, और मेनली अपनी हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। और ओजोम वैसे भी एक जर्मनी का ब्रांड है, तो क्वालिटी आप सबको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेने के लिए अगेन विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट carconceptshop.com। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ही अब मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हालांकि मैं प्रमोट ही कर रहा हूँ उसको, क्योंकि सेम ब्रांड DHC की तरफ से आने वाला है। ये है हमारे पास इसके मैक्स विजन वाइपर्स, जो इस तरीके से आपने पैकेजिंग देखी होगी। तो ये DHC की तरफ से मैक्स विजन वाइपर है। अभी मेरे पास 24 इंच और 16 इंच का सैंपल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर हमें MRP मिल जाता है 12 इंच से लेके पूरे 24 इंच तक 599, और यहीं पे अगर 26 इंच का ये 26 इंच का वाइपर होगा तो 50 रुपीज़ प्लस हो जाएगा MRP में। और इसकी क्वालिटी मैं आपके आगे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है मेरे पास अभी 16 इंच का वाइपर, और ये बोनलेस फ्लेक्सी बोनलेस वाइपर है। हालांकि हम अभी तक मेटल वाले वाइपर्स अपनी गाड़ी के अंदर लगाते थे, पर वो किचड़ किचड़ की आवाज़ आती थी, और मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने या 1 सीज़न कह लो हमारी गाड़ी में वो चलता था, उसके बाद वो हमें चेंज कराना पड़ता था। पर इस वाइपर में ऐसा नहीं है, टोटली ABS प्लास्टिक के, आप इसको जैसे मर्जी मोड़ लो, जैसे मैंने मोड़ा है, और ये ख़राब नहीं होगा किसी भी तरीके से। कोई वाइपर आप मार्केट का उठा लो, ये ऐसे मुड़ ही नहीं सकता। आप इसको मोड़ लो, 12 इंच से लेके 24 इंच 26 इंच सारे साइजेस इसके अंदर अवेलेबल है। आप इसको गाड़ी में अपनी प्लग एंड प्ले बेसिस पे लगा सकते हो, बस जस्ट एक ही क्लिप लॉक ओपन करना है, और सामने DHC की ब्रांडिंग दी गई है, ये वाला हिस्सा आपकी वाइपर आर्म के अंदर जाएगा, और इसको लॉक कर दो, और ये रेडी है यूज़ करने के लिए। और कितना ही बड़ा साइज़ हो, आप इसको देखो ऐसे मोड़ सकते हो। और ये रियल रिव्यू है, एक्चुअल में मैं अपनी गाड़ी में 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ बोनलेस फ्लेक्सी वाइपर। XYZ कोई भी ब्रांड ले लो, नॉट DHC, बट मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि नॉर्मल फ्लेक्सी वाइपर और जो आप मेटल वाइपर यूज़ करते हो, उनमें लाइफ स्पैन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। इनकी लाइफ जो है वो 2 से 3 साल होती है, हालांकि वो डिपेंड करता है, अगर आप अपनी गाड़ी डीजल वॉश करा रहे हो तो ये भी ख़राब होगा। अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल शैम्पू वॉश है, सर्फ वॉश है, तो आपका ये वाइपर 2 से 3 साल निकाल जाएगा, और वहीं पे मेटल वाइपर हमारा सिर्फ 1 सीज़न यानी कि 3-4 महीने ही निकालता है। तो ये भी आप हमारी वेबसाइट carconceptshop.com से ले सकते हैं, और आप हमारे नारायणगढ़ के स्टोर पे आके लगवा भी सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया ये आपकी गाड़ी में टोटली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कारगर होगा। और आप शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो लाइट की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर आपको हमारे चैनल पे बनाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और उम्मीद करूँगा इस वीडियो पे 1000+ लाइक्स होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में।